हेलो नमस्कार, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो आज है मंगल, भगवान करे आज सब मंगल मंगल हो। हाँ, नहाना हो गया है, कपड़े धुल गए हैं, झाड़ू हो गया है, पोछा बाकी है, और अभी सुबह की चाय मैं और मम्मी पी रहे हैं। मेरी चाय रखी है, मैं अपने चाय तो खाती हूँ। मम्मी अब एकदम कोंटे में बैठी है। मम्मी गार्डन से अभी आई है धनिया बो के, मुझे मालूम ही नहीं तो मैं दिखाई होती आपको। कोई बात नहीं, जब धनिया उग जाएंगे तब बताऊंगी मैं आपको, ठीक है। मैं चाय और टोस्ट खाती हूँ क्योंकि मेरी चाय ठंडी हो जाएगी फिर, है ना। फिर मिलती हूँ आपको थोड़ी देर में। तो मेरा कुकर हो गया है, दाल चावल बन गया मतलब, और मैंने मसाला करके रखी हूँ। कटहल की सब्जी बनाने वाले हैं, फनस मम्मी बनाने वाली है क्योंकि मम्मी बोली कि इस बार कटहल की सब्जी मैं बनाऊँगी। शायद उनको मेरे हाथ की सब्जी अच्छी नहीं लगी तो वो बनाने वाले हैं। सिटी के घर पर है मम्मी, तो मम्मी बोली जब तेरा मसाला पीस जाएगा और कुकर हो जाएगा तो मुझे फ़ोन करना, तो मैं आऊँगी और तू उधर जाना स्वीटी के पास, मतलब रिद्धि की चाची के पास, क्योंकि वहाँ पे शुरू है काम फर्नीचर का और बच्ची को देखना है करके। तो मैं इधर आऊँगी तो तू उधर जाना, ऐसा उनका कहना है। तो अभी कुकर होने के बाद मैं जाती हूँ उधर। मैं आपको दिखा नहीं पाऊँगी मम्मी कैसे बना रही है सब्जी, सब कुछ सेम ही रहता है लेकिन हाथ का भी फर्क रहता है, सभी के हाथों का स्वाद अलग रहता है। ये बात अलग है कि मम्मी को मेरे हाथ का पसंद नहीं आ रहा, ठीक है। तो मम्मी बनाएंगी अब, तब तक मैं अपना बचा कुचा काम कर लेती हूँ। ये मेरी डबल एक्सेल की कुर्ती है, ये देखो एप्पल कट में है, नीचे से एप्पल कट है, लेकिन मेरा हाइट बहुत कम है इसके अपेक्षा। ये लॉन्ग साइज है, फुल साइज की कुर्ती है। ये मीशो से मंगाई थी मेरी भाभी ने मेरे लिए, तो इसको मैं 2 से 3 बार पहन चुकी हूँ, लेकिन ये ना रास्ता पूरा झाड़ती हुई चलता है कुर्ती। तो मैं सोच रही हूँ इसकी जो लेंथ है इसको कम कर दो, काट दो, नहीं काट देती हूँ। ये जो एप्पल है, ये जो शेप है ये वाला, इसको काट देती हूँ तो ये पैनल लैक हो जाएंगी। खराब नहीं होने को ना यार कुर्ती, कपड़ा बहुत सॉफ्ट है इसका वाला। भगवान का नाम लेके काटना शुरू करती हूँ मैं, काट रही हूँ मैं। पार्ट देखो, ये भी मैंने एप्पल शेप में ही काटी हूँ। इसको ऐसे 2 बार पलट के मशीन से सिलना पड़ेगा, फिर ये पैनल लैक हो जाएगा। मम्मी को बोलूंगी मैं, मम्मी करके देगी, नहीं तो ये होगी मेरी कुर्ती तैयार। वो चांद हंसा, अभी देखो परफेक्ट हो गया। इसको मम्मी को बोलूंगी, मम्मी सिल के देंगी मशीन में, फिर ये पहनने लायक हो जाएगा। परसों के दिन मैं जब मार्केट गई इसको पहन के, तो ये पूरा रोड झाड़ रहा था, पूरा
स्वच्छता अभियान कर रहा था मेरा कुर्ती, इसलिए मैंने इसको काट दी है। अब ये यूज में आएगी मेरे वाले, ठीक है। मैं जाती हूँ स्वीटी के घर, मम्मी आती है इधर सब्जी बनाने के लिए, ठीक है। मम्मी ने देखो सब्जी बना के गई है फर्नस की, और उसके सारे के सारे बीजे निकाल दिए उन्होंने। ये देखो बीजे मुझे अच्छे लगते हैं वैसे, मम्मी ने एक हाथ भी बीजा नहीं रखी लगता, सब निकाल दिए, ठीक है। पिछले वाले जो फर्नस में मैंने बनाई थी ना, उसमें बीजे ज़्यादा थे, इसलिए शायद मम्मी ने इस बार बीजे पूरे निकाल के फेंक दिए। सब्जी की खुशबू बहुत ही अच्छी आ रही है, जैसे मैं दरवाज़ा खोली वैसे पूरी खुशबू चल रही है घर में सब्जी की। मेरी भूख बहुत बढ़ गई है खुशबू के कारण। अब मैं रोटी सेकती हूँ और खाना खाती हूँ, मुझे लगी है भूख क्योंकि बज गए हैं 12:15 और 1:15 तक फिर श्लोक आ जाएगा, ठीक है। तो मैं खाना वाना खाती हूँ, फिर मिलती हूँ आपको जब वो स्कूल से आता है श्लोक, ठीक है। श्लोक आ गया है स्कूल से, दादी ने उसको नहला दिया है, देखो नहा दोगे रेडी हो गया है। उसको दाल चावल खिलाती हूँ मैं, मम्मी भी अभी आई है छोटी के से, मतलब थोड़ा देर पहले खाना खा लूँ मैं। हाँ देखो मम्मी की साड़ी दूसरे दिन की चुंदरी पैटर्न की साड़ी पहनी मम्मी ने, आई ये साड़ी नई है, आज मंगलवार है इसलिए चुंदरी पैटर्न की साड़ी पहने उन्होंने। तो मैं खाना खिलाती हूँ श्लोक को, फिर बाद में आपको रिद्धि से भी मिलाती हूँ, रिद्धि जब आएंगी स्कूल से। तो ये रिद्धि आ गई है स्कूल से, उसका दिमाग खराब है, देखो पूरा उसका भी चिप्स खा लिया बिल्कुल ने, बेचारी बहुत टेंशन में आ गई। कोई बात नहीं होता, मैं दिला दूंगी। हाँ मेरी गुड़ दादी का टेंशन में आ गई है, मतलब एक गुड़ के साथ में कौन खाता है भाई दाल चावल, सब्जी खाना फंदस के। श्लोक सो गया है क्योंकि मैं भी सो गई थी, सो गई थी मैं भी, अभी मैं भी सोती हूँ। 1 घंटा और है मेरे पास 3 से 4, फिर 4 बजे को ट्यूशन छोड़ के दूंगी मैं, ठीक है। सोती हूँ मैं थोड़ा सा, सुबह जल्दी उठो रात में लेट सो ना तो नींद नहीं होती, इसलिए मैं सोती हूँ फिर मैं मिलती हूँ आपको बाद में। हो गई है शाम और मैं रिद्धि को लेकर आ गई हूँ क्लास से, ट्यूशन क्लास से। उसको भूख लगी है, मैं मैगी बना के नहीं दूंगी उसको, इसलिए देखो उसको मैंने समोसा खरीद के दी हूँ, एक ही समोसा, क्योंकि मैं तो ठंडा ठंडा समोसा खा लीजिए। ठंडा है? हाँ क्या बात कर रही, ठंडा है। माँ क्यों नहीं बोली, तो गर्म है उत्तर नहीं है, जाने दो खा ले। 15 रुपए का एक समोसा देता है यहाँ का ठेला वाला, पता नहीं क्या डालता है, काजू किशमिश डालता है क्या उसके अंदर। इसकी दादी अभी तक नहीं आई है, चाची की इधर है, और मैं चाय नहीं पीऊँ, मैं मम्मी का वेट कर रही थी। नहीं बाबा मैं खुद बना लेती एक एक कप चाय, तू भी पी रही क्या? चाय बनाती हूँ मैं, चाय की बहुत तलब लगी है मुझे। पीछे पेड़ पौधों में पानी डालना था लेकिन ये रिद्धि का फोन आ गया तो मैं उधर चली गई। चलो पानी डालती हूँ मैं, नहीं मम्मी को रात में सब्जी नहीं खानी है, मसाला नहीं खाना है उनको, ठेचा खाना है मिर्ची का ठेचा, ये देख हरी मिर्ची का ठेचा जिसमें डलता है हरी मिर्ची लहसुन और धनिया पत्ती। बहुत तीखी रहती है ये, एक तरह से चटनी रहती है लेकिन बारीक नहीं रहती है, दरदरा रहता है थोड़ा,
इसको एक्चुअली तो कूटते हैं इसको सिलबट्टे में, उसको वैसे वैसे खाते हैं, इसको एकदम महीम नहीं पीसते इसको। लेकिन अभी कौन सिलबट्टे में पीसेगा इतनी सी ठेचा को, इसलिए मैं मिक्सर में पीस डालूंगी। तो मम्मी को ठेचा बहुत पसंद है, उनका फेवरेट है। या सब्जी खाने की इच्छा ना हो तो वो ठेचा खाते हैं। तो मम्मी बहुत मसाला मसाले का खा रही है, मतलब सभी खा रहे हैं, लेकिन उनको खाने की इच्छा नहीं हो रही है सब्जी अभी फिलहाल। तो मैं उन्होंने ही बोले मुझको कि ठेचा बना करके, तो मैं ठेचा बनाने वाली हूँ। महाराष्ट्र में ठेचा बहुत खाते हैं, लाल मिर्ची का भी ठेचा बनता है, हरी मिर्ची का भी बनता है, सूखी मिर्ची का भी बनता है ठेचा, और जो पाउडर रहता है ना मिर्ची पाउडर, उसका भी ठेचा बनता है। लेकिन मैं सिर्फ हरी मिर्ची का ठेचा बनाती हूँ, क्योंकि मम्मी को सिर्फ हरी मिर्ची का ठेचा पसंद है। तो स्टार्ट करती हूँ मैं ठेचा बनाना, साथ में रहिए आप भी। छोटी सी कढ़ाई ली हूँ मैंने, तेल बहुत थोड़ा डालना पड़ेगा, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा तेल बस। ये मिर्ची को मैं टुकड़ों में कर ली हूँ, समार को काट दी हूँ, और लहसुन, ठीक है, इसमें जीरा भी जाएगा, बहुत ढास आती है जब इसको डालो ना, बहुत ढास आती है। तेरे लौंग ये कोटेदार लहंगा निकलू जब डाल के, छुरिया चल जाए मेरे मस्तानी चाल पे। बच्चों को अंगूर अंगूर दिया कर ना, खरीद के लाके रखी हूँ तो पूरे खराब हो जाते ना अंगूर। आज तो इज्जत लगा, इज्जत लगा, ये छुड़ेगी पूरे घर में। लहसुन मिर्ची और ये सामान, एग्जॉस्ट लगाई हूँ मैंने, नमक, जीरा, इसको 3/4 पकाना है सिर्फ, पूरा नहीं पकाना है, 3/4। अम्मा अंगूर खा रही, भूख लगी तो तेरे को ढाल जा रही ना। थोड़ा सा और ब्राउन कर देती हूँ, नहीं तो कच्चा कच्चा लगेगा मुंह में, तो माता राम चिल्लाएंगे। हो गया ये, गैस बंद कर देती हूँ और थोड़ा ठंडा होने देती हूँ इसको, उसके बाद में पॉट में डाल के इसको पीसूंगी मैं। तो ये हो गया है ठंडा, इसको थोड़ा दरदरा पीसूंगी, बारीक नहीं पीसूंगी, ठीक है, क्योंकि ठेचा को, ठेचा नाम ही है उसका, ठेचा मतलब ठेचना उसको, है ना। तो अभी नए मॉडर्न जमाने का ठेचा है ये, मिक्सी में, पहले के लोग सिलबट्टे में पीसते थे। को बोलते हैं ठेचा। मिर्ची बहुत तीखी लगता है। ये बन गया है ठेचा और मैं सेक रही हूं अभी रोटी, क्योंकि सभी को भूख लगी है। देखो रोटी सेकना शुरू है मेरा, ठीक है, गरम गरम रोटी सेकती हूँ और इनको खाने को देती हूँ। और आज का वीडियो
और आज का वीडियो मैं यहीं पे एंड करती हूँ। मिलती हूँ कल एक नए वीडियो के साथ में, ठीक है। एक्साइटमेंट कुछ रह नहीं गया जीवन में, वही काम है। सुबह से उठ के झाड़ू पोछा बर्तन खाना बच्चों का करना, बस वही है। नया कुछ नहीं है, बस वो शादी के टाइम का जो पीरियड था 7 दिन का बड़ा अच्छा गया, उसके बाद से तो वही काम शुरू है, ठीक है। तो मिलते हैं कल वही रूटीन के साथ में, लेकिन कुछ अलग बातों के साथ में। कोई बात नहीं, कुछ समझ में आ नहीं रहा है मुझको क्या बोलूँ मैं, मेरा रोज का ये वो। तो कल मिलती हूँ मैं आपसे, ठीक है। बने रहे मेरे साथ हमेशा के लिए। नमस्कार। नमस्कार नहीं बोलते, क्या बोलते आप बोलते? नमस्कार नहीं बोलते तो अलविदा, तो क्या बोलते रहे हिंदी में? बाय को बाय, बाय बाय। पगड़ी तो धन्यवाद, थैंक यू। धन्यवाद थैंक यू को बोलते अलविदा। अलविदा लैंग्वेज मुसलमान लैंग्वेज की। मम्मी क्या बोलते? मम्मी आप क्या बोलते बाय को? नमस्कार तो धन उसको बोलते स्टार्टिंग में। अच्छा तो हम चलते हैं, कल मिलेंगे नए ब्लॉग के साथ। क्या फोन है क्या? रखते हैं। अच्छा तो हम चलते हैं।